महागठबंधन प्रत्याशी अनुपमा सिंह धनबाद बार एसोसिएशन पहुंची, जहां बार के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं से उन्होंने कांग्रेस को वोट करने की अपील की। वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने अनुपमा सिंह से जीतने के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने और प्रैक्टिस करने वाले सभी अधिवक्ताओं के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था की भी मांग की। मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, लेकिन आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहूंगी, ये जरूर बोलूंगी। और जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, छोटी बड़ी जैसी भी समस्या होगी, उसको समाधान करने की कोशिश करूंगी, ये मेरा सबसे बड़ा संकल्प है। और मैं जितने मेरे स्तर पर हो सकेगा, या राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से अगर मैं जीतती हूँ, मुझे मजबूती मिलती है, तो मैं उसका समाधान करने की जरूर से जरूर अपने 100% लगा के और लोगों का प्यार जीतने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ 5 साल के लिए होता है, उसके बाद फिर से मुझे लड़ना होगा। Elite Institute. अगर आपके अंदर चाह है तो Elite आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो Elite आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुँचिए Elite Institute। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो, या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए, या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। महागठबंधन प्रत्याशी अनुपमा सिंह धनबाद बार एसोसिएशन पहुंची, जहां बार के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं से उन्होंने कांग्रेस को वोट करने की अपील की। वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने अनुपमा सिंह से जीतने के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने और प्रैक्टिस करने वाले सभी अधिवक्ताओं के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था की भी मांग की। मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, लेकिन आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहूंगी, ये जरूर बोलूंगी। और जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, छोटी बड़ी जैसी भी समस्या होगी, उसको समाधान करने की कोशिश करूंगी, ये मेरा सबसे बड़ा संकल्प है। और मैं जितने मेरे स्तर पर हो सकेगा, या राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से अगर मैं जीतती हूँ, मुझे मजबूती मिलती है, तो मैं उसका समाधान करने की जरूर से जरूर अपने 100% लगा के और लोगों का प्यार जीतने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ 5 साल के लिए होता है, उसके बाद फिर से मुझे लड़ना होगा।